आप सब लोग की फेवरेट होने वाली है, ये है जी नायासिनामाइड प्रो सीरम। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, इसको कभी भी विटामिन सी सीरम के साथ इस्तेमाल नहीं करना। नायासिनामाइड प्लस विटामिन सी सीरम का कम्बिनेशन नहीं बनता, आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करोगे तो फोड़े, फिंसियाँ, दाने, शाने सब कुछ बाहर आ जाएंगे। इनका मेरे पास विटामिन सी सीरम भी है, बिल्कुल न्यू पड़ा है, ये तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ये मैं इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। मैंने इनका ये वाला सिरम इस्तेमाल किया जिसकी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई हुई है। ये है जी नायासिनामाइड B3 प्रो सिरम। सबसे पहला इसका काम क्या है, ये आपके पोर्स को इतने अच्छे तरीके से टाइट कर देता है कि आप लोग लगाते सारी आप लोगों को फील होता है कि स्किन एकदम टाइट हो गई है। पोर्स को यूं श्रिंक कर देता है। पोर श्रिंक का मतलब है अंदर गंद नहीं जाएगा, अंदर गंद नहीं जाएगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं होंगे, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स नहीं होंगे और पोर श्रिंक रहेंगे तो आप लोगों को एक्नी का मसला नहीं होगा। ये जी ऑयली स्किन वालों के लिए बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है। आप लोग ऑयली स्किन वाले तो डायरेक्ट मुंह धो के लगा लेंगे साफ करके, लेकिन जब ये ड्राई स्किन वालों की बारी आएगी, उन्होंने हल्का सा मुंह गीला करना है फिर इसको अप्लाई करना है। अगर ड्राई स्किन वाले इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो आप लोग का मुंह ना थोड़ा सा बहुत अकड़ जाएगा और ड्राइनेस की तरफ चला जाएगा। पोर्स तो श्रिंक कर देगा लेकिन ड्राइनेस की तरफ चला जाएगा, इसीलिए ये वाला सीरम बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन वाले डायरेक्ट अप्लाई करेंगे पोर्स श्रिंक करने के लिए, और ड्राई स्किन वाले हल्का सा मुंह गीला करके या रोज वाटर का स्प्रे करके फिर ये अप्लाई करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, पास आके दिखाती हूँ, ये देखें ये कंसिस्टेंसी इसकी। रिव्यू हो गया है जी खत्म।